Hello. Hello. Hi. Good evening to all and everyone present over here. मेरा नाम चिराग चिराग पंड्या है. अचानक बिना बुलाए मैं स्टेज पे क्या कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा. वेल, मैं यहाँ पे हूँ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट या फिर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए. मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि मेरे सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आए हुए हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुने और समझ पाए कि आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ. मेरे नाला सुबरा में एक क्लासेस है, कॉमर्स क्लासेस है, जहाँ पे हम बच्चों को क्लासेस में बुलाते हैं और उनसे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी करवाते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी आती है, हम उन्हें स्टेज पे बुलाते हैं पहले दिन और उन्हें कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. यकीन मानिए 100 में से 90-95 स्टूडेंट्स बोल ही नहीं पाते. कुछ बच्चे जो इनबॉर्न टैलेंटेड होते हैं, निडर होते हैं, बिंदास बोल देते हैं, और फिर जब हम उन्हें उनके स्कूल के बारे में पूछते हैं तो पिछले बहुत सालों से मुझे एक स्कूल का नाम कंटिन्यूस लेवल पे सुनाई दे रहा है. और वो कॉन्फिडेंट बच्चा जो हमारे स्टेज पे आके सबके सामने इतने बेहतरीन तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो बच्चा होता है जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके स्कूल का नाम क्या है तो वो बच्चे का जवाब आता है स्वेन विली ब्रॉड स्कूल. वेल, मेरे बहुत सारे ब्रांचेस हैं नाला सुबरा में. एक ब्रांचेस आपके स्कूल के एग्जैक्टली अपोजिट बिल्डिंग में है. मुझे तभी नहीं समझ में आता था कि इतना छोटा सा दिखने वाले स्कूल के बच्चे इतने बड़े स्टेज पे आके हमारे जैसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स के सामने, कॉलेज के बच्चों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते कैसे हैं. लेकिन आज इस स्टेज पे आने के बाद पता चला कैसे कर पाते हैं. आई वॉन्ट टू थैंक दिस स्कूल प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, द एंटायर टीम ऑफ दिस स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ब्यूटिफुल एंड बिग स्टेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ नाला सुबारा. मैं चाहता हूं सारे पेरेंट्स को जोरदार एक बार तालियां अपने स्कूल के लिए. मैं बहुत सारे स्कूल्स में गया हूं, अक्सर जाता रहता हूं, बॉम्बे के स्कूल्स में भी जाता हूं. यकीन मानिए ये जो सेटअप, ये जो स्टेज आप यहां पे देख रहे हो, मैंने एंट्री करी है एंड आई वॉज लाइक वाओ, मैं सच में नाला सुबारा के कोई स्कूल में फंक्शन में आया हूं. लेट मी चेक माई सेल्फ. रियली ऐसे बड़े बड़े स्टेज अगर आप, मैंने तो जो बॉम्बे की स्कूल्स होती है जहाँ पे तकरीबन उनकी महीनों की फीस 1-1.5 लाख रुपए एक महीने की फीस वो चार्ज करते हैं, वो ऐसे बड़े बड़े स्टेज बनाते हैं. यहाँ पे ये जो कैमरा जो आपको दिख रहा है ये जिमजिप है. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये नॉर्मली ये कैमरा भी फिल्मों में और सीरियल के शूटिंग के दौरान लगाया जाता है. और वो कैमरा मैं एक नाला सुबारा की स्कूल के एनुअल फंक्शन में देख रहा हूँ. वाह, सुपर्ब सुपर्ब अमेजिंग. इससे पता चलता है कि ये स्कूल के प्रिंसिपल, ओनर, ट्रस्टी और सारे टीचर की सोच क्या है. वो बच्चों को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, फाउंडेशन उनका तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले दिलों में वो बाहर जब जाए तो ये जो बाहर की जो दुनिया है उसको बहुत कॉन्फिडेंटली फेस कर सके. मेरा ये मानना है कि जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाते. जैसे अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे दोनों पैर सही सलामत है इसलिए मैं खड़ा हूँ. सेम वे अगर बच्चा का फाउंडेशन ठीक से किया जाए तो लाइफ में वो बहुत आगे बढ़ सकता है. दो फाउंडेशन जैसे हमारे हैं, हमारे दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग, सेम वे बच्चे के फाउंडेशन में भी ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत अहम रोल प्ले करती है. लेफ्ट लेग मैं रिलेट करता हूँ सारे माँ बाप से जो अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही संस्कार देना शुरू कर देते हैं. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा राइट लेग, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मजबूत होने की, और वो सारे संस्कार, वो सारी ट्रेनिंग, वो सब कुछ प्रोवाइड होता है स्कूल से. यानी कि एक बच्चे का फाउंडेशन, उसका फ्यूचर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उसकी स्कूल में उसे किस तरह की ट्रेनिंग, उसे किस तरह का ज्ञान और किस तरह का प्रोत्साहन दिया गया हुआ है. वह ज्ञान तो सारे टीचर उनको क्लासरूम में देते ही है, बट ये जो प्रोत्साहन नाला सुबारा के बच्चों को ये स्कूल ने दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है. मैं फिर से सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार तालियां ये स्कूल के मैनेजमेंट और ट्रस्टीज के लिए. वेल, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं यहां पे आया हूं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट या फिर आप कह सकते हैं एक इंफॉर्मेशन आप सबसे शेयर करने के लिए. इंफोसिस कंपनी
शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये देश सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी शाखा है, इनकी ब्रांचेस है। आप सोच रहे होंगे मैं ये कंपनी की एडवर्टीजमेंट यहां पे क्यों कर रहा हूं, बट बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कर रहा हूं। ये कंपनी का काम है सॉफ्टवेयर बनाना, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, कुछ अलग तरीके से सॉफ्टवेयर बनाना, कुछ अलग तरीके की टेक्नोलॉजी देश को और दुनिया को देना ताकि उसका हम इस्तेमाल कर सके और हमारा जीवन और बेहतर हो सके। पिछले कई सालों से ये कंपनी नंबर वन पोजीशन पे है और काफी प्राउडली हमें, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इंडिया की कंपनी है। श्री नारायण मूर्ति का नाम आप सबने सुना होगा, ये कंपनी के ये संस्थापक है। ये कंपनी ने जो इंडिया की नंबर वन आईटी कंपनी है और जो टॉप फाइव कंपनी है वर्ल्ड की जिसमें उसका नाम आता है, वो कंपनी ने 2 साल पहले कुछ अलग करने का सोचा। ये कंपनी ने सोचा कि आइए एक कॉम्पिटिशन रखते हैं स्कूल की, स्कूल के बच्चों की कॉम्पिटिशन तो सब रखते हैं, बट क्यों ना हम वो स्कूल के प्रिंसिपल की कॉम्पिटिशन रखें। अब ये प्रिंसिपल की कॉम्पिटिशन कैसे रख सकते हैं और ये स्कूल की प्रिंसिपल की कॉम्पिटिशन रखने की इंफोसिस जितनी बड़ी कंपनी को क्या जरूरत है? वेल, जरूरत इसलिए है क्योंकि उनका भी ये मानना है कि बच्चों का फाउंडेशन तो स्कूल ही दे सकती है। उनकी कंपनी आज अगर नंबर वन पोजीशन पे पहुंची है, इनोवेटिव आइडियाज लेके आती है, तो वो इसलिए क्योंकि वहां पे काम करने वाले लोग इनोवेटिव है, और जब उनके पास और ऐसे इनोवेटिव लोग आएंगे तो वो अपने कंपनी को इंडिया की तो बना चुके हैं नंबर वन, वो वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बना चुके हैं, बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो इनोवेटिव हो, और उसकी ट्रेनिंग स्कूल से ही होती है। तो वो इस तलाश में है या इस तलाश में थे कि क्यों ना हम ऐसे प्रिंसिपल को ढूंढे पूरे भारत में से जिसका प्रोग्राम हम पूरे इंडिया की स्कूल को बता सके कि देखिए अगर आपको आपके बच्चों को ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों तक पहुंचाना है तो आपको ऐसे प्रोग्राम आपके स्कूल में फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपका बच्चा कुछ अलग सोच पाएगा, तब जाके आपका बच्चा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी पोस्ट तक पहुंच पाएगा। तलाश शुरू हुई। मैकेंजी नाम की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसने पूरा सर्वे करा, रिसर्च करा भारत की। आपको पता ही होगा लाखों स्कूल्स हैं, वहां पे वो लोग गए, सर्वे करा, प्रिंसिपल से मिले, उनसे जाना पहचाना, हर बारीक डिटेल वो उन्होंने ली, बच्चों से मिले, उनकी टीम से मिले कि किस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली वो हमारे वसी तालुका में भी आए थे, यहाँ की भी सारी स्कूल के सर्वे करके चले गए, और उन्होंने लाखों स्कूल में से 10,000 प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट किया। और आप सबको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि उन लाखों स्कूल में से जो 10,000 प्रिंसिपल सिलेक्ट हुए ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन 10,000 प्रिंसिपल में से आपके स्कूल के प्रिंसिपल भी सिलेक्ट हुए थे। ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं हमेशा देखता रहता हूं मेरे ब्रांच के सामने से एक छोटी सी स्कूल, लेकिन इतना, हाँ मानता हूं 10,000 लोग सिलेक्ट हुए, लेकिन 10,000 लोगों में भी सिलेक्ट होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कंपटीशन आगे बढ़ती है 10,000 से 8,000, उसमें भी जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है मिस्टर विलिबर्ड जॉर्ज, उनका नाम था। 8,000 से 7,000, 6,000, 5,000 में भी उनका नाम था। 5,000 से 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, उसमें भी उनका नाम था। 1,000 से बात आती है 500, 500 से 100, उसमें भी आपके प्रिंसिपल का नाम था। देश के सबसे अलग सोचने वाले प्रिंसिपल की खोज में नाला सोपारा की एक स्कूल के प्रिंसिपल टॉप 100 तक पहुंचते हैं। वहां कंपटीशन खत्म नहीं होती है, यस, वहां से एक्चुअल कंपटीशन शुरू होती है, क्योंकि टॉप 100 नाला सोपारा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के टॉप स्कूल के टॉप इनोवेटिव प्रिंसिपल वहां पे कंपीट कर रहे हैं, और वो 100 में से टॉप 50 में भी हमारे विली सर सिलेक्ट होते हैं। टॉप 50 में से उन्हें सिलेक्ट करना था टॉप 10, और वो टॉप 10 में भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल सिलेक्ट होते हैं। यहां से कंपटीशन और बढ़ती जाती है, यहां से कंपटीशन और बढ़ती जाती है, और टॉप 10 से टॉप 5 और टॉप 3, क्या लगता है आपको? यस, ये टॉप 3 में भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल सिलेक्ट होते हैं।
वेल, थर्ड सेकंड और फर्स्ट कौन आता है या कौन है फर्स्ट लेवल पे, मैं अभी अनाउंस करूंगा। वो जो फर्स्ट है वो हमारे बीच है, लेकिन टॉप थ्री की पोजीशन में आना, देश की लाखों स्कूल, और वो भी कंपटीशन किसने रखा है, वर्ल्ड की टॉप फाइव कंपनी में से एक गिने में आने वाली इंफोसिस जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने कंपटीशन रखा और उसमें टॉप थ्री में आना, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं गुजारिश करूंगा मेरे सारे पेरेंट्स और बच्चों से विली सर के लिए जोरदार तालियां टॉप थ्री में आने के लिए। मेरे लिए तो टॉप थ्री वहां तक पहुंचना एक सपने के समान है, और वो भी नाला सुबरा से वहां लेवल तक। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे मिलवाऊंगा टॉप फर्स्ट में कौन आया है जिसने पूरे देश के इनोवेटिव प्रिंसिपल में से नंबर वन पोजीशन हासिल करी है, वो आज हमारे बीच है, और बड़े गर्व से और बड़े बहुत 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 प्राउड से मैं बुलाना चाहूंगा जिसने नंबर वन प्रिंसिपल इनोवेटिव प्रिंसिपल का खिताब हासिल किया है, वो है आप ही के स्कूल के विलीब्रॉड जॉर्ज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विली सर से, प्लीज मंच पे आए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। इंडिया के सबसे इनोवेटिव प्रिंसिपल के लिए वेल डन सर, अमेजिंग अमेजिंग। जब मुझे ओह या दैट्स वंडरफुल, आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे पहले पता चला तो मैंने आपको कॉल करा था, यू आर देयर। मैं तब भी कुछ नहीं बोल पाया था, उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, आज भी नहीं है विली सर, बट मैं आज सबके सामने एक चीज़ आपके लिए करना चाहता हूँ, जो आपने इतनी बड़ा इतना बड़ा अचीवमेंट लाइफ में हासिल करा है, और वो है सिर्फ ये, यू आर अमेजिंग। आपने सिर्फ आपके स्कूल का ही नहीं, नाला सुबरा में रहने वाले एक 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 बच्चे का अपने नाम रोशन करा है, और आपने हम सबको प्राउड फील करवाया है। यू नो, मैं मेरे क्लासेस में आने वाले हर कॉलेज के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ दो वर्ड्स बोलता रहता हूँ, बट आपकी स्कूल इतनी लकी है। कैसा होता है जब हम नाला सुपरा में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोच से हम अटक जाते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो नाला सुपरा में रहते हैं। मेरा बच्चा जो मेरे क्लासेस में पढ़ता था, उसकी लाइफ पे एक फिल्म बनी है, आप सबने देखी होगी, ABCD2, राइट? इतनी बड़ी फिल्म, नाला सुपरा में रहने वाला बच्चा। आज मेरे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो मैं इन सब के एग्जांपल देता रहता हूँ, लेकिन आपके स्कूल के बच्चों के लिए यू आर वेरी लकी कि आपके लिए जीता जागता एग्जांपल आपके सामने है। नाला सुपरा में ही रहे हैं, नाला सुपरा में ही उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, और नाला सुपरा में रहने के बाद आज वो इंडिया के नंबर वन इनोवेटिव प्रिंसिपल बन सकते हैं। अगर ये बन सकते हैं तो इनकी स्कूल में रहने वाला हर एक बच्चा इनोवेटिव और बहुत ही आगे जरूर बढ़ेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। फिर से एक बार जोरदार विली सर के लिए तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विली सर से, प्लीज से फ्यू वर्ड्स। थैंक यू सो मच चिराग सर फॉर दैट अमेजिंग अमेजिंग डिस्कोर्स। आई थिंक आई वुड लाइक टू इनवाइट स्नेहा। मेनी ऑफ यू नो स्नेहा बिकॉज शी वॉज वर्किंग विद आवर टीम बिफोर, and she has watched a lot of the innovations that we have been doing in the school at that time. Sneha, would you like to come up and quickly talk about some of those innovations? We have about 3 minutes. Thank you so much, Vili sir. First of all, good evening everyone over here. Let's make some noise for the most innovative school in India, everyone. एग्जैक्टली क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि विली सर ने ये किताब पाया है, एंड इट इज़ हिज इनोवेशन दैट हैज़ वन दिस एंटायर अवार्ड। इक्वल एंड मोर, हम सब जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वी ऑल नीड टू फील इक्वली प्राउड, क्योंकि हमारे जो 5 प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, उसमें each and every one has participated. Let me tell you how. So Willie sir has given us, hume ye opportunity diya hai ki student led parent meeting mein, can we raise our hands parents, student led parent meeting mein hum aaye hai? Yes, so please clap for yourselves because aap ye project ke bahut important part rahe hai,
and that has won this award. Yeah, student leadership, जो हम देखते हैं, जिस confidence से students बात करते हैं अपने खुद के progress के बारे में और खुद के बारे में, that entire project has won this award. आपने project rise सुना होगा, क्योंकि हम Saint Willibrord में हम ये नहीं बोलते हैं कि teacher बन गए, HM बन गए, let's stay where we are. We try to build and we try to give unko aur space taki wo aur behtar kar sake aur aapke students ko ek alag level pe le sake. So teachers, raise your hand if you're here. Teachers, please make some noise. Kyunki aap Project Rise mein, exactly, kyunki aap Project Rise mein part rahe hai. So Project Rise has got this award. Aapne Read for Change, Write for Change project ka suna hoga, jahan pe literacy aur numeracy, हमारे इंग्लिश पे हम जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट इंग्लिश, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, एंड हम हमारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट विली सर ने बनाया है एंड दैट हैज़ वन दिस अवार्ड. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु एवर हैव आर एफ सी डब्ल्यू एफ सी जर्नल्स, प्लीज रेज योर हैंड स्टूडेंट्स. आर एफ सी डब्ल्यू एफ सी जर्नल, दैट हैज़ वन दिस अवार्ड. एंड डी डी ए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि जब तक हम प्लानिंग नहीं करते, यू आर नॉट मूविंग अहेड इन लाइफ. सो प्रोजेक्ट डी डी ए हैज़ वन दिस अवार्ड एंड एट द एंड ऑफ इट आई वुड वॉन्ट टू थैंक मिस्टर विलिब्रॉड जॉर्ज, क्योंकि उन्होंने ये इनोवेशन क्रिएट किया है, उन्होंने ये स्पेस हम सबको दिया है ताकि वी ग्रो एंड वी बिकम अ बेटर पर्सन. And that's why we are here, and that's why he has won this award. So please, let's get together, let's make some noise, and if I may request, hum sab, kyunki hum sab itne proud mehsoos hona, hum sabko itna proud mehsoos hona chahiye ki hume ye award mila hai, Mr. Willibrord George ko ye award mila hai, hamare school ko ye award mila hai. So let's all rise up and make some noise, and please, let's hear for each and every one of you, kyunki ye award aapko mila hai, ye award hamare school, hamare family ko mila hai. Thank you so much. Thank you, Sneha. I also wanted to share that Sneha has worked very very closely on expressive writing. To aap jo expressive writing dekhte ho aapke class mein, Sneha was one of the founders of expressive writing in our school. I'd like to say that चिराग सर ने बहुत कुछ बताया, बट आई रियली वॉन्ट टू से दैट ये जो अवार्ड मिला है, ये जो इनोवेशंस हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स एक्चुअली आपने मुझे बताया है. जब एज अ पेरेंट आप मेरे पास आते हो, या कोई भी हमारे सेंट विलिब्रॉड टीचर के पास आते हो या लीडर के पास आते हो, तो आप आपका प्रॉब्लम लेके आते हो और आपका प्रॉब्लम सुन के समझ के वी सिट डाउन एंड वी थिंक, हम सोचते हैं कि क्या सिस्टम हम डिवेलप कर सकते हैं आपके बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे 100% इंप्रूव हो जाएं. दैट इज हाउ दीज प्रोजेक्ट्स हैव कम इनटू प्लेस. सो आई रियली थिंक दैट दिस इज नॉट माय अवार्ड. आई रियली थिंक दैट ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड हम सबका है, ये अवार्ड हम सारे पेरेंट्स का है जो हमारे पास आके आपके प्रॉब्लम्स आपने शेयर किए हैं. डोंट इवन थिंक, कभी नहीं सोचना कि अगर आपके प्रॉब्लम्स या आपके फीडबैक हमारे पास तक लाओगे तो वी विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. हम सोचते हैं, वी ऑलवेज वॉन्ट टू मेक अ बेटर स्कूल. सो आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दैट चिराग सर, दैट इट्स बिकॉज ऑफ एवरीबॉडी दैट वी आर एक्चुअली एबल टू डू इट. जब मैं एक प्रोजेक्ट डिजाइन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, आपका कोऑपरेशन उसमें जिंदगी लाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई रियली अप्रिशिएट एवरीबॉडीज एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन. आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर नाउ That मैं दो नया प्रोजेक्ट ये साल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, टू न्यू प्रोजेक्ट्स, एंड दैट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट रेस, आर ए सी ई. रेस स्टैंड्स फॉर रिगरस ऑथेंटिक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. मैं अभी हमारे स्कूल में सिलेक्ट बच्चों के साथ कॉर्पोरेट के लोगों को लाके हमारे बच्चों को ट्रेन करने वाला हूँ. इनफैक्ट दो प्रोजेक्ट हमारे स्कूल में ऑलरेडी चल रहा है, उसका वीडियोस में आपको दिखाऊंगा. प्रोजेक्ट रेस. द सेकेंड प्रोजेक्ट जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ये साल इज कॉल्ड प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास. चिराग सर, आई विल टेल यू समथिंग,
जब नाला सुपारा में मैं कोई बच्चों को पूछता हूँ दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, वो चार या पांच बोलता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, राजस्थान, यू नो. सो चिल्ड्रन डोंट नो. अगर मैं किसी को पूछता हूँ कितने करेंसी हैं ये इंडिया, ये देश में कितने करेंसीज हैं, दे डोंट नो. दे नो ओनली 2, 3, or 4 करेंसीज. इसलिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कॉल्ड प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास. June 2018-19 is going to see Project World Class in all the students. Every week, हर बच्चा एक कंट्री के बारे में सीखेगा, एक कंट्री के बारे में सीखेगा every week. और 8 साल में, first से लेके 8th तक, he will have studied 198 countries of the world. 198 countries of the world, sir, मैं आपको guarantee देता हूँ कि ये एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट से जो हमारे बच्चों का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, नॉलेज, जनरल नॉलेज, कॉन्फिडेंस, जो वो बढ़ेगा, वो सिर्फ नाला सुपारा या बॉम्बे या इंडिया का सिटीजन नहीं होगा सर, वो एक देश का खिलाड़ी होगा, एक एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में खेलेगा. सो आई रियली होप दैट यू विल सपोर्ट मी विथ प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ऑनर. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर, चिराग सर जो है, हु इज दिस वेरी डैशिंग यंग मैन, रन्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कोचिंग क्लासेस इन नाला सुपारा. एंड हमारा स्कूल सबसे बेस्ट फाउंडेशन आपके बच्चे को दे सकता है अप टू स्कूल, लेकिन एट कॉलेज लेवल द बेस्ट फाउंडेशन ऑन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड will be given to you by Chirag sir and his entire team of highly qualified and professional trainers. Chirag sir is a head of our college, St. Willibrord's Innovative Junior College ke head hai. He's already running the college with 180 children and he's going to be taking it to great heights. I'm so happy sir that mere bacche aapke under hai sir. Thank you so much sir. Thank you. Just take a photo.